Good morning, children. Children, we were doing chapter 6, Gulliver in the land of Lilliput. Today, we will do the question answers of this chapter. Children, I have not written the questions on the book. I have written only answers and the correct question number. So, you will have to open page 49. Page 49 of your reader. Okay. Here questions are given. Page 49, A is answer the following questions briefly. First question is, where did Gulliver find himself after the shipwreck? So when he was shipwrecked, उसने अपने आप खुद को कहाँ पाया था? जब उसको होश आया तो वो कहाँ था? Excuse me. So Gulliver found himself in a land of people who were only 6 inches tall after he was shipwrecked. So जब उसको होश आया तो वो ऐसे लैंड में था जहाँ पर जो लोग थे वो सिर्फ 6 inches tall थे. बेटा ये जो आपका छोटा स्केल होता है ना, ये 6 inch का होता है. सिर्फ इतने बड़े इंसान थे वहाँ पे. जो लिलीपुट लैंड के लोग थे वो इतने बड़े थे. जस्ट इमेजिन, उसी में हाथ पैर सब कुछ, बॉडी एवरीथिंग, जो आप इतने बड़े हो वो इतने से थे, 6 inches tall. Okay, so Gulliver found himself in a land of people who were only 6 inches tall after he was shipwrecked. Okay. Now the next question: what had the strange creatures done to Gulliver? बेटा आपको questions book से लिखने हैं, okay? Second question है: what had the strange creatures done to Gulliver? गलिवर के साथ स्ट्रेंज, जो स्ट्रेंज क्रिएचर्स थे, स्ट्रेंज ही है ना, अगर इतने बड़े बड़े इंसान थे तो स्ट्रेंज ही है, डिफरेंट है, हैरान करने वाले हैं. उन्होंने गलिवर के साथ क्या किया था? उन्होंने उसके हाथ पैर बांध दिए थे, राइट, बाल भी बांध दिए थे. स्ट्रेंज क्रिएचर्स हैड टाइड डॉक्टर गलिवर्स आर्म्स एंड लेग्स टू पेग्स फास्टेंड इनटू द ग्राउंड. पहले रस्सी पूरी रोप्स ऐसे करके क्या किया, उनके हाथ पैर पूरी बॉडी ऐसे टाई कर दी, फिर पेग लेके उसको नेल भी कर दिया, साथ में अच्छे से फिक्स कर दिया ग्राउंड पे, राइट. इट इज शोन हाउ दे हैव डन इट, इट इज शोन इन द पिक्चर, आई विल शो इट टू यू. सी, ऐसे पूरी रस्सी करके ये छोटे 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 पेग्स हैं, इनको फासन कर दिया ग्राउंड से, ऐसे बांध दिया था उसको, एंड उसके बाल भी बांधे थे, बाल को भी पेग्स लगा दिए थे, उसको भी फासन कर दिया था, राइट, हेयर को भी. बट वी हैव इन दिस आंसर यू कैन राइट ओनली अबाउट आर्म्स एंड लेग्स. सो द स्ट्रेंज क्रिएचर्स हैड टाइड डॉक्टर गलिवर्स आर्म्स एंड लेग्स टू पेग्स फासन टू द ग्राउंड. पेग लगा के फिक्स कर दिया था ग्राउंड पे उन्होंने, राइट. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, चलिए मेरा थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द क्रिएचर, व्हाई डिड द क्रिएचर्स शूट एरोज एट गलिवर? उनके पास बो एंड एरो था, उन सब ने गलिवर पे एरो क्यों शूट किया था? बिकॉज जब गलिवर अपने आप को खोलने की कोशिश कर रहा था वो डर गए थे कि अब ये अगर अपने आप को खोल लेगा तो हमें हार्म करेगा, हमें नुकसान पहुंचाएगा, वो गलिवर से डर रहे थे, इसलिए उन लोगों ने गलिवर को बो एंड एरो से शूट करना शुरू कर दिया था, राइट. सो द क्रिएचर स्टार्टेड शूटिंग एरोज एट गलिवर बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ हिम, बिकॉज वो उससे डर रहे थे एंड थॉट ही वुड हार्म देम, और उनको लगा कि वो उन लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, बो एंड एरो लेके शूट करना शुरू कर दिया था गलिवर को, लेफ्ट साइड. तभी तो गलिवर को लगा ना, अगर मैं हिलूंगा तो ये मुझे और हार्म करेंगे, इसलिए मैं अकलमंदी यही है कि मैं शांति से लेटा रहूं और मैं हिलू ना तो ये मुझे एरो शूट करना बंद कर देंगे.
इन लोगों को लग रहा है, इन लोगों को लग रहा है मैं इनको नुकसान पहुंचाऊंगा, राइट? सो दैट्स व्हाई गलिवर स्टॉप मूविंग. उन्होंने भी फिर एरो मारना रुक दिया था, दे ऑल्सो स्टॉप्ड. फिर गलिवर ने बोला था, बताया था ना हगो को कि मैं आपका फ्रेंड हूँ, आप लोगों का, मैं आपको हार्म नहीं करूंगा, राइट? सो द क्रिएटर स्टार्टेड शूटिंग एरोज एट गलिवर बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ हिम एंड थॉट ही वुड हार्म देम. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द इम्पोर्टेंट लुकिंग मैन? जो एकदम अलग सा दिख रहा था इम्पोर्टेंट लुकिंग मैन, जो कि एक प्लेटफॉर्म बनाया था उन लोगों ने, एक लकड़ी का ऐसे डेस्क टाइप बना के उसके ऊपर खड़ा एक बंदा खड़ा हुआ चढ़ के, ये क्लाइंबर्ड एंड स्क्रू वहां जो खड़ा था, सब लिलीपुट वो भी बोल रहा था, बाकी सब भी बोल रहे थे. उसने सबको एक भाषण दिया, स्पीच दी, सबको अश्योरेंस दी कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा, पर उसकी लैंग्वेज अलग थी. सारे की अलग लैंग्वेज होती है, उन जो लिलीपुट लैंड में जो पीपल थे उनकी लैंग्वेज डिफरेंट थी, तो उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी. बट इतना समझ आया गलिवर को कि ये उन लोगों को टोन से, बोलने की टोन से समझ आया कि उनको अश्योरेंस दे रहा है, रीअश्योर कर रहा है कि घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डरो मत. अपने पीपल को, उस लैंड के जो लोग थे उनको रीअश्योरेंस दे रहा है, राइट? सो इम्पॉर्टेंट लुकिंग मैन यानी राजा टाइप, वो सब उसकी बातें सुन रहे थे, ही वॉज द लीडर, राइट? तो वो कौन था, हु वॉज द इम्पॉर्टेंट लुकिंग मैन, कौन था? मैंने आपको समझाते हुए बोल दिया आपको, कौन था वो? लीडर. सो द इम्पॉर्टेंट लुकिंग मैन वॉज द लीडर ऑफ द ग्रुप. वो जो पूरा ग्रुप था, यानी कि जो पीपल थे उस लैंड के, उनका लीडर था. And the people of Lilliput, और Lilliput इस जगह का नाम था, तो Lilliput के जो लोग थे, called him, उसको क्या बुला रहे थे? The Great Hugo. क्या बुला रहे थे उसको? The Great Hugo. पहले तो जो important looking man था वो leader था उस group का, group means यहाँ पे Lilliput land के people के लिए बोला गया है. और the people of Lilliput, जो people उस land के Lilliput के जो लोग थे, उसको क्या बोल रहे थे? क्या बुला रहे थे? द ग्रेट हगो. ओके, चलो आई विल रीड द क्वेश्चन आंसर्स वंस अगेन फॉर यू. फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड गलिवर फाइंड हिमसेल्फ आफ्टर द शिप रेक? गलिवर फाउंड हिमसेल्फ इन अ लैंड ऑफ पीपल हु वर ओनली 6 inches टॉल After he was shipwrecked. Okay. Question number 2. What had the strange creatures done to Gulliver? The strange creatures had tied Dr. Gulliver's arms and legs to pegs fastened into the ground. Third question. Why did the creatures shoot arrows at Gulliver? The creatures started shooting arrows at Gulliver because they were afraid of him and thought he would harm them. Fourth question, who was the important looking man? The important looking man was the leader of the group. The people of Lilliput called him the Great Hugo. Okay? Now children, your homework is to write down these question answers in your notebook. Start doing this work now and you can complete it. Okay? Those who will complete it during the class, it's okay. Those who don't, because there are many slow writers, they can complete it afterwards as homework, right? You have to copy down the questions from your book, and questions are given on page 49. Okay? Thank you, children.